ओला एंड उबर के ड्राइवर्स खुद की कंपनी को कैसे लूट रहे हैं, आइए जानते हैं। सो कुछ दिन पहले मैंने मुंबई एयरपोर्ट जाना था, जिसके लिए मैंने अपने घर से मुंबई एयरपोर्ट तक की एक उबर कैब बुक की एंड इस राइड का प्राइस था 1000 रुपीज। सो जब उबर ड्राइवर मुझे पिक करने के लिए मेरे घर आया, मैंने उसको ओटीपी बताया तो उसने बोला कि भैया मैं यहाँ से आपकी राइड कैंसिल कर देता हूँ एंड मैं आपको अपने बिहाफ पे एयरपोर्ट छोड़ के आऊंगा, आप मुझे 100 रुपए कम दे देना। अब सोचने वाली बात यह है कि ऐसा करने से उस ड्राइवर का क्या फायदा। सो देखो, जब भी हम ओला या उबर से कोई राइड बुक करते हैं एंड जो भी पैसा हम ड्राइवर को देते हैं उसका 20-30%, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता बट हाँ अप्रोक्सीमेटली 20-30% ड्राइवर को ओला या उबर को देना पड़ता है एज अ कमीशन। एंड इस केस में मैंने 1000 की राइड बुक की थी, जिसका मतलब ड्राइवर को 200-300 रुपीज उबर को देना पड़ता है एज अ कमीशन। एंड इसी कमीशन को बचाने के लिए उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ से राइड कैंसिल कर देता हूँ, आप मुझे 100 रुपए कम दे देना, क्योंकि यहाँ पे उसका 100 से 200 रुपए का फायदा हो रहा है। सो ड्राइवर्स जो ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही है या गलत, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर आप मेरी जगह होते तो आप उसकी बात मानते, ये भी बताना।